दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। आपको एज एन एसोसिएट हर्बललाइफ ज्वाइन करने के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास अभी FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नहीं है तो भी आप बाद में बहुत ही आराम से प्रीफर्ड कस्टमर से एसोसिएट में अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद inorderline@herballife.com पर प्रीफर्ड से एसोसिएट में अपना अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हर्बललाइफ एज ए प्रीफर्ड या एसोसिएट कैसे ज्वाइन करें देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए। सबसे पहले आपको FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि foodlicensing.fssai.gov.in पर जाना है। हमने डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। वहां पर जाकर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हुए एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपका बिजनेस क्या दूसरे स्टेट में भी चलता है। फिलहाल इसे हम नो करेंगे। बिजनेस कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम हर्बललाइफ के लिए यहाँ पर अदर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और रिटेलर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है अप टू 12 लाख। अब आपके पास आगे बढ़ने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप रजिस्टर्ड मेंबर बनकर या एज ए गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एज ए गेस्ट लॉगिन करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालकर। देन आपके सामने फॉर्म ए का पेज ओपन होगा, इसे आप फिलअप करिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए करना चाहते हैं। 1 साल मिनिमम है और 5 साल मैक्सिमम है। हम यहाँ पर 1 साल सेलेक्ट कर रहे हैं। अब फिर से आपको फूड बिजनेस का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब आपको अपना फोटो और आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आपको एक सपोर्टेड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है और उसके लिए आपको यह फाइल डाउनलोड करना है। इसे फिलअप करके स्कैन कीजिए और अपलोड कीजिए। अब आपको फिल किया हुआ फॉर्म ए डाउनलोड करना है, सिग्नेचर करना है और स्कैन करके फिर से उसे अपलोड करना है। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पर चले जाएंगे। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट पर जाकर क्लिक कीजिए और पेमेंट कीजिए। इसके बाद आपको इस फॉर्म ए की कॉपी डाउनलोड करनी है और इसके साथ ही डाउनलोडेड कॉपी ऑफ फॉर्म ए, डिक्लेरेशन फॉर्म, आईडी, एड्रेस प्रूफ और पेमेंट रिसिप्ट लेकर आपको लोकल फूड इंस्पेक्टर के पास जाना होता है। उनके अप्रूवल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और इसी तरह से आप FSSAI से फूड लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। दोनों में अंतर बस फीस का है, उसे आप चेक कर लीजिएगा। FSSAI का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके बिजनेस का टर्नओवर साल में 12 लाख से ज्यादा होना चाहिए। हर्बल लाइफ से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली बार कुछ और नई जानकारी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।